वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ से समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ इलाके को जो है वो एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और नामालूम बंदूक बारदार यानी कि आतंकियों के बीच जो है वो एक बार फिर से जो इनकाउंटर है वो वहां पर शुरू हो गया। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी इसके बारे में जो है वो कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है और कोई भी किस तरह की जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंच उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का बसंतगढ़ इलाका है उसके अंदर एक दूरदराज गांव है रायचक कदवा के बीच, ये एक लोहार जो जंगल एरिया है वहां पर जो है वो ये फायरिंग जो है वहां पर देखने को मिली है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की बात करें तो वो इस समय जो है मौके पर पहुंच चुकी है। कितने आतंकी वहां पर इस समय मौजूद हो सकते हैं इसके बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफों से जो है बाहरी गोलाबारी इस समय वहां पर देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से बसंतगढ़ जैसे इलाके की बात करें तो उससे जो है वो वहां पर दहलाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी बसंतगढ़ इलाके में जो है वो एक ब्लेज डिफेंस गार्ड के मेंबर की बात करें तो उसके जो है वो आतंकियों ने जान ली थी और उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर जो है वो आतंकवादियों ने अपनी दस्तक दी थी। लाठी की बात करें तो वहां पर भी एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जो है वो हमारे शहीद हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अभी अभी का एक बड़ा अपडेट जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ इलाके से सामने आ रहा है कि बसंतगढ़ के रायचक कदवा के अंदर लगते एक इलाका जिसका नाम लोहार बताया जा रहा है वहां पर जो है वो कई सारी जो गोलियों की आवाजें हैं वहां पर सुनी गई है। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से बात करें तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इलाके को मुहैसर में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इलाके को पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है, लेकिन जंगल जो है वो काफी ज्यादा घना है जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक ये कहें कि मुश्किल वहां पर जरूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिन भी ना ये कहें कि आतंकियों ने इस तरह से वहां पर जो है वो इलाके को दहलाने की कोशिश की है उन्हें जो है वो जल्द से जल्द उनका सफाया जो है वो किया जाएगा। ऑफिशियल जो है वो अभी बयान आना बाकी है, ऑफिशियल तौर पर अभी जो है वो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से जो एक सोर्सेज के हवाले से जानकारी हमारे पास पहुंच गई है वो हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ इलाके से ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप तक जो है वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। रायचक कदवा के अंदर जो एक लोहार का एरिया है वहां से ये अपडेट सामने आ रहा है कि कुछ ही देर पहले वहां पर जो है वो अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो वो मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि घबराए नहीं, इस मुश्किल घड़ी में जो है पैनिक मत होइएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी पर जो है वो अपना भरोसा रखें और अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको सस्पेक्ट लगता है तो आप उसके बारे में जो है वो जरूर अफसरों को जो है वो जानकारी दे ताकि समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। एक तरफ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज जिस तरह से जम्मू के अखनूर बॉर्डर एरिया में वहां पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया जिसमें हमारे बीएसएफ के एक जवान जो है वहां पर उसमें घायल हुए, लेकिन एक बार फिर से बसंतगढ़ से ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उसमें जो है वो एक ये कहें कि एक बार फिर से वहां पर इनकाउंटर शुरू हुआ है और फिलहाल अभी जो गोलाबारी है वो दोनों तरफों से वहां पर देखने को मिल रही है, गोलियों की आवाजें वहां पर जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने वहां पर इस तरह से इलाके को दलाया है उनका जो है वो वहां पर सफाया किया जाएगा। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि घबराइएगा मत और जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी पर भरोसा रखिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, अगर इस बारे में कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपको सस्पेक्ट लगता है तो आप उस बारे में जरूर जो है वो पुलिस को या फिर इंडियन आर्मी को जानकारी दे ताकि कोई भी किस तरह का जो माहौल है वो हमारे जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में जो है वो ना देखने को मिले। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार अब इस तरह के बढ़ते आतंकी जो घटनाएं हैं इस पर जो है वो अब सेंटर में बैठी सरकार को किस तरह का काम करने की जरूरत है ताकि जो जम्मू कश्मीर का माहौल है वो किसी भी तरीके से खराब जो है वो ना हो। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।